माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम सेवन्थ क्लास के विज्ञान विषय का 11 पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जो आपका टॉपिक दे रखा है जंतु एवं पादपों में परिवहन, इस पार्ट पर आधारित आज अपना वीडियो लेक्चर कुछ होता है, जिसमें आज अपन स्पीक करेंगे। आपका टॉपिक रहेगा हृदय। तो काफी चीजों को अपन डिस्कस करें, जंतुओं में परिसंचरण तंत्र की प्रक्रिया को अपन स्टडी कर रहे हैं, वो भी स्पेशल मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, परिसंचरण तंत्र के कौन कौन से घटक है, तो उनके बारे में एक एक के बारे में विस्तार रूप से डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने जनरली परिसंचरण तंत्र के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तीन भाग। एक तो हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिका। आपने रुधिर वाहिका तथा रुधिर के बारे में स्टडी की। रुधिर वाहिका दो प्रकार की होती है, एक तो धमनी और एक शिरा है। उसका अलग अलग प्रोसेस होता है, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है और उनके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार का रक्त प्रवाह होता है। देखा जाता है, आपने ये भी पढ़ा है कि रक्त के बारे में स्टडी की, रक्त में भी अलग अलग प्रकार की सेल्स पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की कणिका पाई जाती है और उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है और उसके आधार पर उसकी गुणधर्म क्या देखे जाते हैं, अलग अलग गुणधर्मों को अपन कंसिडर करते हुए देखे जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन अपन प्रोसेस देखें तो आपको बात समझ में आती है कि रुधिर का रंग लाल रंग होता है। कारण क्या था, कल आपको बताया था कि रुधिर में हीमोग्लोबिन नामक का वर्णक पाया जाता है और हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी सेल्स की वजह से उसका रंग क्या होता है, लाल रंग होता है। जैसे पत्तियों का रंग हरा होता है, वैसे वैसे अपने शरीर में जो रक्त पाया जाता है उसका लाल रंग होने की वजह उसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन नामक का वर्णक। ये बेसिकली आपको बताया था। तो आज अपन तीसरे पार्ट को अपन डिस्कस कर रहे हैं, जो आपका परिसंचरण तंत्र का दे रखा है क्या, हृदय। हृदय इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, हृदय। हृदय आप जनरली जानते हैं कि हृदय के बारे में कौन नहीं जानता है। हृदय अपने शरीर का एक ऐसा अंग है जो जीवन भर आजीवन बिना रुके गतिशील होता रहता है। ऐसा नहीं सोचना कि सर के जब नींद लेते तब तो हृदय सोता होगा, आराम करता होगा, नहीं। हृदय एक सेकंड भी रुक जाए तो मृत्यु निश्चित है। हृदय की गति जब तक आप जीवन पर्यंत जिंदा रहते हैं वहां तक हृदय नियंत्रित रूप से गतिशील बना रहता है, धड़कता रहता है, और हृदय एक सेकंड के लिए भी रुक जाए तो फिर आपका विनाश संभव है। तो ऐसी आज दिन तक कोई मशीन या कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी सिस्टम जनरेट नहीं किया जो बिना रुके लंबे समय तक काम करते रहे और उसमें भी किसी भी प्रकार की खराबी होने की संभावना नहीं। गारंटी के साथ जो मशीन आपके बॉडी में फिट कर रखी है उसकी क्या कल्पना कर सकता है, कितने मूल्य की मशीन है, अमूल्य, जिसका मूल्य कोई निर्धारित है क्यों। बाकी आप जितने भी प्रकार की आसपास जितने भी प्रकार की अलग अलग प्रकार की मशीनरी देखते हैं उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ न कुछ समय के बाद में आप देखते हैं कुछ न कुछ उसमें क्या प्रॉब्लम, कई प्रकार की खराब होने की संभावना रहती है और धीरे धीरे जैसे उसमें इंजन समाप्त होते हैं वो क्या होती रुक जाती है। परंतु हृदय एक ऐसा सिस्टम आपके बॉडी में प्रकृति भगवान ने ऐसा प्रदान कर रखा है, प्रकृति का एक उपहार है जिसको अपन कभी भूल नहीं सकते और बिना रुके कार्य करती रहती है। जब तक आपके शरीर में हृदय सही व्यवस्थित रूप से सुसंतुलित रूप से कार्य कर रहा है तब तक आपके किसी प्रकार की बीमारी या किसी प्रकार की समस्या होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती। क्यों? क्योंकि हृदय आपके शरीर में जितने प्रकार के हानिकारक पार्टिकल मान लो रक्त में मिल भी जाते हैं तो उनको न्यूट्रलाइज करने में इसमें विशेष प्रकार की क्षमता पाई जाती है। तो इसके बारे में बेसिकली आप जानते भी कि हृदय एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, हृदय अपने शरीर का एक विशेष इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अंग माना गया है। हृदय के बिना जीवन की कल्पना करना पॉसिबल नहीं। हृदय का आकार देखें तो आकार कितना था, बहुत छोटा। ऐसे अपन देखें तो एक मुट्ठी में अपना हृदय को क्या
पकड़े या फिर मुट्ठी जैसे होती है ना, इतने आकार का होता है, परंतु अपने पूरे बॉडी को मेंटेन करने का काम करता है। आपने देखा भी होगा कि हृदय आप जैसे ही सीने पर हाथ लगाते तो आपके बॉडी में क्या मूवमेंट, धड़कन शुरू दिखाई देती, सुनती धक 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 ये चलता रहता है। एनी टाइम रेगुलरली प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये मूवमेंट करता ही हुआ पाया जाता है। या फिर डायरेक्ट यहाँ से आप एहसास नहीं करते हो, आप यहाँ से नस को देखोगे तो अपनी जैसे बॉडी इस नस को आप हल्का सा ऐसे दबाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि नस में मूवमेंट, कंपन, वाइब्रेशन होता है, वो देखने में स्पन होता है। ऐसे नस क्या होती है, ऊपर नीचे ऐसे क्यों होती, क्योंकि हृदय की वजह से हृदय उसमें रक्त छोड़ता है प्रेशर के अकॉर्डिंग, और उसी रक्त के प्रवाह के अकॉर्डिंग आपको ये एहसास होता है कि उसमें व्यक्ति में अभी तक सांस है, जिंदा है। तब अपन आइडेंटिफाई करते हैं, कभी बार आपने देखा भी होगा अपने आसपास कि कोई व्यक्ति सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, या जब गंभीर कंडीशन होता है तो हमेशा पहले एक तो ये नस चेक की जाती, दूसरी ये यहाँ पे आकर के देखते देखते तो उसमें भी मूवमेंट कंपन होता हुआ दिखाई देगा। तो ये दो तीन टाइप के स्टेप के अकॉर्डिंग अपन डेड बॉडी का सजीव में अपन आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस देखा जाता है। जब क्या हो सीरियसली कंडीशन में होता है तब उसको किस प्रकार से आइडेंटिफाई करना तो उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो जनरली आप जानते भी हृदय एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो जीवन यापन करने के लिए इसकी विशेष भूमिका देखे गई। तो आगे देखते हैं अपन, देखिए बेसिकली मैंने सामान्य जनरली डायग्राम कल रिप्रेजेंटेशन करके आपके सामने पेश किया है, उसको आप कंसिडर होंगे तो आपको बात समझ में आएगी क्या किस प्रकार से हृदय कार्य करता है, क्या प्रोसेस होता है, उसकी बात की जा रही है। तो नॉर्मली से प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलता है कि हृदय रुधिर को फिल्ट्रेशन करने का काम करता है, ये बात तो नॉर्मली आप जानते भी। तो क्या रुधिर अपने हृदय में ऑक्सीजन युक्त तथा CO2 युक्त रुधिर पूरे पूरे हृदय में क्या एक साथ मिलते हैं क्या? नहीं, कदापि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हृदय में अलग अलग पार्ट्स होता है, हृदय में अलग अलग चैम्बर बनने को होते हैं। आप जानते हैं हमारे शरीर हृदय चार पार्टों में डिवाइड होता है, चार भागों में हमारा हृदय कितने भागों में डिवाइड होते हैं? हृदय बेसिक सिंपल सिंपल सेंटेंस देख रहा हूँ याद रखना, हृदय एक जीवन प्राण या जीवन भर, हृदय जीवन भर नियंत्रित या निरंतर गतिशील एक विशेष अंग है। छोटे छोटे सेंटेंस आ गया देखना, हृदय का आकार मुट्ठी के बराबर होता है, जितनी मुट्ठी होती है उतना हृदय होता है। हृदय चार पार्टों में डिवाइड होता है, हृदय में चार कक्ष पाए जाते हैं, कौन कौन से? दो आलिंद, दो नीले। आलिंद होते हैं हृदय के ऊपरी पार्ट में, दो आलिंद होंगे हृदय के ऊपरी पार्ट में, और दो नीले होते हैं हृदय के निचले भाग में देखे जाते हैं। और आप देखते हैं इन कपाटों को आपस में सेपरेट करने के लिए इसमें क्या पाई जाती है, एक विभाजन वो कक्ष विभाजन दीवार पाई जाती है जो हड्डियों से और समृद्ध मांसपेशियों से जुड़ी होती है, जो विभिन्न कक्षों को अलग अलग सेपरेट करती है तथा रक्त को आपस में इंटरमिक्सिंग होने की प्रक्रिया को रोकने में अपनी भूमिका निभाती है। तो जनरली बात करें तो हृदय क्या है, एक ऐसा अंग है जो नियंत्रित गति से बिना रुके आज जीवन भर गति करता रहता है, और इसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये किस प्रकार की मशीन है, क्या है प्रोसेस, ये प्रकृति का दिया हुआ क्या है द्वार माना जाता है।
तो जनरली मैंने डायग्रामिकल रूप में आपके सामने पेश किया है, इसको भी अपन समझते देखिए क्या है कि हृदय एक अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है और ये गतिशील धड़कता रहता है। विभिन्न प्रकार के रक्त में प्रवाहित होने वाले पदार्थों को सेपरेशन तथा अलग अलग करने में हृदय की विशेष भूमिका देखी जाती है। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। ऐसा नहीं कोई आपको पूछेगा हृदय है क्या, तो ऐसा नहीं कि सिर पे हृदय, हृदय कहाँ पे उपस्थित होता है, वक्ष गुहा। वक्ष गुहा मतलब जहाँ पे आपके साथी है, ये है ना, ये पार जो जिसको कहते हैं वक्षिणा, जो सीने के अंदर जो धड़कता है वो क्या आपका हृदय, जो अमूल्य वक्ष गुहा पाए जाने वाले एक अंग है। तो हृदय कहाँ स्थित होता है आपको कोई कई बार पूछते हैं, तो कहाँ स्थित होता है, वक्ष गुहा में, जिसका निचला भाग थोड़ी बाई ओर झुका रहता है और ये मुट्ठी के आकार के बराबर होता है, थोड़ा सा क्या झुकाव इसमें देखा जाता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त तथा CO2 युक्त रक्त को हृदय में मिलने से रोकने के लिए हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। 2 ऊपरी कक्ष आलिन होते हैं और निचले 2 कक्ष नीले होते हैं और दोनों को आपस में इंटरमिक्सिंग होने से रोकने के लिए हृदय में कक्ष विभाजित दीवार पाई जाती है। आप जानते हैं कि हृदय में जो अलग अलग प्रकार की सिराएं धमनी जो रखी होती है, जो ये सिरा होती है ये बॉडी से अशुद्ध रुधिर होता है उसको हृदय में प्रवाहित करती है। यहाँ पे पूरी बॉडी से आपके जो अशुद्ध रुधिर रहता है वो यहाँ से सप्लाई होता है और अंदर अलग अलग पार्ट्स में हृदय क्या करता है, रक्त को फिल्ट्रेशन करके शुद्धिकरण करने का काम करता है और यहाँ से प्योर रुधिर पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है। और यहाँ पे देखते हैं आप उपस्थ धमनी में जो हृदय में उपस्थित अशुद्ध रुधिर को डायरेक्ट भेजा जाता है फेफड़ों में और वहां से रहे देखिए उपस्थ की सिराय होती है उसमें क्या आता है शुद्ध रुधिरकरण आता हुआ देखा जाता है। ये एक प्रकार का मांसपेशी अंग है और अलग अलग प्रकार की कंडीशन में अलग अलग कार्य करता हुआ देखा जाता है। तो जनरली आपके बात दिमाग में रहने से हृदय क्या है, हृदय की क्या भूमिका है, हृदय कौन से अंग से संबंधित है, कौन से तंत्र में हृदय की भूमिका रहती है, तो एक जनरली छोटे छोटे पॉइंट आप पूछे जाते हैं तो उनको आपको ध्यान में रखें और समझना भी। और कई बार आप पूछते हैं कि हृदय का डायग्राम करते हुए इसको संक्षेप में समझाइए, तो आपको विधिवत रूप से हृदय का डायग्राम बनाना आना चाहिए। हृदय के कौन कौन से अंग हैं, कौन से अंग की क्या भूमिका है, जैसे आपको कहते हैं कि मां धमनी का क्या कार्य है, हृदय में पाई जाने वाली मां धमनी का क्या कार्य है, तो आपको ये याद रहे कि मां धमनी हृदय में पाई जाती है और ये पूरे बॉडी में शुद्ध रक्त को फिल्टर से शुद्ध रक्त की सप्लाई करने में अपनी विशेष भूमिका प्रदान करती हुई देखी जाती है। फुफ्फुस धमनी का कार्य होता है कि हृदय में उपस्थित अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों तक पहुँचाती और फेफड़े अशुद्ध रुधिर से CO2 को न्यूट्रलाइज करने में अपनी भूमिका निभाते हुए देखी जाती है। फुफ्फुस धमनी अलग होती है और मां धमनी अलग होती है, हृदय की धमनी अलग होती है और फुफ्फुस की धमनियाँ अलग होती है। इनके बारे में धमनी मतलब वाहिका के बारे में हमने डिस्कस करके भी बताया था और आपको समझा भी रखा है कि वाहिका में 2 प्रकार की वाहिका पाई जाती है, एक तो धमनी और एक सिराय। हृदय की धमनी होती है उसमें शुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है, जबकि फेफड़ों की सिराय होती है उसमें शुद्ध रुधिर होता है। और दूसरी कंडीशन में फेफड़ों की धमनी होती है उसमें अशुद्ध रुधिर और हृदय की सिराय होती है उसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाह होता हुआ देखा जाता है। तो जनरली प्रोसेस के माध्यम से आपको बताया कि हृदय क्या है, हृदय की क्या भूमिका है, हृदय कैसा है, इसका आकार कितना है, इसमें कितने कक्ष पाए जाते हैं। तो अलग अलग जीवों में हृदय का अलग अलग बनावटी आकार देखा जाता है। ये आकृतिकल डायग्रामिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने पेश किया गया है। ये ओनली फॉर मनुष्य में हृदय की संरचना किस प्रकार से एग्जिस्ट करती है उसके बारे में डिस्कस करके आपको बताएं। एक बार पुनः मैं दर्शा रहा हूँ, फिर बाद में हृदय वाले पार्ट को आप व्यवस्थित रूप से समझे, इसका नोट्स बनाएं और व्यवस्थित रूप से कंटेंट को तैयार करते हुए हृदय के मैटर को आप तैयार करें। फिर आपके जंतुओं में परिवहन तंत्र का सिस्टम क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा, फिर पादपों आएगा। और इसमें एक और पॉइंट आपके सामने मेंशन होगा, वो होगा आपके क्या हृदय की धड़कन के दौरान हृदय जितनी बार धड़कता है उसके अकॉर्डिंग क्या बनती है, हृदय स्पंद की दर रेट निकाली जाती है। वो किस प्रकार से निकालते हैं उसको अपन खुले वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको पेश करके बताएंगे। तो ये था आपके हृदय पर आधारित प्रोसेस
और जो मटेरियल आपको ऑब्टेन करवाए जा रहे हैं उसको व्यवस्थित रूप से समझें, स्टिक करें, किसी प्रकार का कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। देखिए, हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है, जो निरंतर गति से धड़कता रहता है। हृदय वक्ष गुहा में स्थित रहता है जिसका निचला सिरा दाईं ओर झुका रहता है। इसका आकार मुट्ठी के आकार के बराबर बताया गया है। ऑक्सीजन युक्त तथा CO2 युक्त रक्त को हृदय में मिलने से रोकने के लिए हृदय में चार कक्ष पाए जाते हैं और प्रत्येक कक्ष अलग अलग प्रकार की कक्ष दीवार द्वारा सेपरेट होते हुए देखे जाते हैं। हृदय के ऊपरी भाग में दो आलेख पाए जाते हैं और हृदय के निचले भाग में दो नीले पाए जाते देखे जाते हैं। धमनी या सिरा इनका अलग अलग कार्य, उनके बारे में हमने विस्तार रूप से स्टडी कर रखी है दिमाग में ही। तो आज आपको हृदय का मैटर ऑब्जर्व करवाया, उसको व्यवस्थित समझे, स्टडी करें, किसी प्रकार का कंफ्यूजन या डाउट को डायरेक्ट उसके समस्या को समाधान करें। इंपॉर्टेंट बात है, गायत्री विद्यागिरी यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आप पढ़े कंटिन्यू बने रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना काम करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ मुहूर्त।